नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। अपाजी ब्लड ग्रुप के रफत खान ने जानकारी दी कि निजी अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिला भगवती अहिरवार के प्रसव के लिए रेयर ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव की आवश्यकता थी। जैसे ही ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अरुणेंद्र शुक्ला के माध्यम से ये बात जिला अस्पताल में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार प्रजापति जी को पता चली, वे अपनी सभी कार्य छोड़कर तुरंत ब्लड बैंक पहुंच गए और अपना 5वां रक्तदान कर महिला और उसके बच्चे की जान बचाई। साथ ही पंचायत चुनाव के इस समय में उन्होंने सभी से वोट देने की अपील भी की और संदेश दिया कि जिस प्रकार रक्तदान समाज के कल्याण के लिए जरूरी है, उसी प्रकार आपके वोट से भी एक बेहतर समाज का निर्माण होता है, इसलिए सभी को वोट करना चाहिए। रक्तदान के समय अपाजी ब्लड ग्रुप के रफत खान और ब्लड बैंक स्टाफ उपस्थित रहा। सर, ये जो आज आप रक्तदान कर रहे हैं, ये मतलब किसको दे रहे हैं? मैं एक गर्भवती महिला को, मुझे शुक्ला जी डॉक्टर साहब ने बताया था कि किसी बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप किसी गर्भवती महिला को जरूरत है जी, तो उनके कहने पर मैंने ये डोनेट किया हुआ। चलिए, और इसको लेके आप समाज में कोई संदेश देना चाहते हैं रक्तदान को लेकर? मैं लोगों से यही कह देना चाहता हूँ कि जरूरतमंदों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है ब्लड डोनेशन, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जब भी ब्लड कैंप्स रखते हैं लोग उसमें भागीदारी दें। जिस तरीके से चुनाव में वोट डालते हैं उसी प्रकार से ब्लड डोनेशन में भी भागीदारी दें। जैसे कि अभी अपने छतरपुर जिले में और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव है, तो इसके संबंध में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? यदि लोगों से ज़्यादा मैं अभी चुनाव की बात चल रहे हैं तो चुनाव में यही कहूँगा कि चुनाव में युवाओं का साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में हमें चुनाव में वोटिंग जो है प्रतिशत बहुत कम रहता है, तो चुनाव में हमारे जो युवा हैं यदि ये लोग इन लोगों की भागीदारी बढ़ेगी ना तो आगे जाके चुनाव के अच्छे रिजल्ट्स भी हासिल होंगे, क्योंकि समझदारी उन्हीं में ज़्यादा रहती है। और युवा शक्ति ऐसी चीज़ है जो यदि किसी चीज़ में भी भागीदारी लेती है तो आगे जाके उसको सफलता मिलती है। आज मैं ये लोगों से कहना चाहता हूँ एक ब्लड डोनेशन के वजह से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारे जन भागीदारी लोग हैं, जो यंगस्टर हैं, पहले रक्तदान करें फिर उसके बाद चुनाव वोट करें।